देख लेते हैं कि कल यानी मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। भारी भरकम बिकवाली का फिगर कैश और एफएनओ दोनों स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आया है। 4600 करोड़ के आसपास की बिकवाली कैश स्पेस में, तो 4500 करोड़ से अधिक की बिकवाली एफएनओ स्पेस में दिखी है। दमखम जो दिखा रहे हैं वो घरेलू संस्थागत निवेशक, 2431 करोड़ की खरीद का फिगर वहां से आया है। तो जिस प्रकार के संकेत आज दिख रहे ग्लोबल मार्केट से और जो आने वाले हैं यूएस से, यूके से, इन सबके बीच हमारा बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। मिक्स बैग है सर संकेतों का, फिर चाहे डॉलर देखें, यूएस बॉन्ड यील्ड देखें, कच्चे तेल का गिरना देखें, एंड ऑफकोर्स जो संकेत आएंगे आगे, हम कैसे ट्रेड करें सर? निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या महत्वपूर्ण स्तर होंगे? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए दुनिया भर के बाजारों से संकेत मिले जुले हैं, जैसे आप कह भी रही हैं, और अब विशेषकर डाउ में अगर देखें हल्के हरे निशान के साथ समाप्ति हुई है। इससे बेहतर क्लोजिंग हो सकती थी, एक नौकरी समस्या फिसल गई ये इंग्लैंड वाली खबर के चलते। फिर भी कल जब हम बंद हुए तो 250 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, तो उसके मुकाबले में तो अगर आप देखें नेट तो इतने बुरे बंद नहीं हुए। शायद यही वजह की एसजेएक्स निफ्टी थोड़ी आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा है। बाकी सारे पैरामीटर्स वैसे के वैसे हैं। बिकवाली का प्रेशर तो है ही, और कल हम 17,000 के बेहद करीब थोड़ा सा नीचे बंद हुए हैं, वो सेंटिमेंट के लिए आके थोड़ा सा खराब है। एक बार आज हम थोड़ा ऊपर खुल के देखते हैं किस तरह का आगे का एक्शन बनता है। नीचे की तरफ अब जो आज के लिए आपको सपोर्ट रहेगा निफ्टी पर, वो 16,750 और 16,850, ये 100 पॉइंट की रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। और पिछली बार भी आपने जो 16,431 तक का हाई देखा है, 17,431 तक का हाई, वो 16,750 का लो बनाकर वहीं से बाजार घूमा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज भी ये 100 पॉइंट की रेंज होल्ड करने का काम करेगा। स्पेशली जब आप एक बार ऊपर खुल जाएंगे तो फिर ये रेंज आपके लिए अच्छा सपोर्ट हो सकती है। ऊपर की तरफ एक बार 17,175 तक जाने की कोशिश निश्चित कर सकता है, और उसके बाद देखेंगे हम कि आगे किस तरह का रुझान बनता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,500 38,625 ये बहुत ही नजदीक का लेवल है, लेकिन यही पहला सपोर्ट है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आसानी से ये टूटे ना। ऊपरी स्तर पर 39,100 से 39,175 ये वो रेंज जहाँ तक बैंक निफ्टी एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, तो इन लेवल पर आपको रखनी है नजर। जी